नमस्कार दोस्तों, जब हम वायरिंग कराना चाहते हैं या वायरिंग कराते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो या ऑफिस हो, तो हमारे मन में यह सवाल अक्सर रहता है कि कहां पर हमें कितने एमएम का वायर यूज करना है, यानी किस उपकरण को चलाने के लिए, यानी कितने लोड के लिए हमें कितने एमएम का वायर यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो लोड की कैपेसिटी होती है, अगर वायर का लंबाई कम है तो वो वायर अधिक लोड उठा सकता है। अब वायरिंग करते समय हमें कलर कोडिंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फेस वायर के लिए रेड वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ के लिए हरा वायर का हमें यूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल वीआरएन इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो होता है 0.75 एमएम का जो वायर होता है, इसका यूज हमें लाइटिंग में करना चाहिए। यानी जैसे कि सीएफएल बल्ब हो गया, यानी हमारे जो लाइट के उपकरण है, बल्ब वगैरह, उनमें हमें 0.75 एमएम का वायर यूज करना चाहिए। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 7 एम्पियर तक की होती है। अब आता है आपका 1 एमएम का वायर। 1 एमएम का जो वायर होता है, इसका उपयोग आप पंखे आदि चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, या अपने घर से मेन बोर्ड से अलग अलग बोर्डों में सप्लाई देने के लिए भी आप 1 एमएम के वायर का यूज कर सकते हैं। 1 एमएम के वायर पर मैक्सिमम लोड 5 एम्पियर तक हम दे सकते हैं। अब आता है 1.5 एमएम का वायर। 1.5 एमएम के वायर से फ्रिज, कूलर आदि आप यूज कर सकते हैं। 1 टन का एसी भी आप 1.5 एमएम के वायर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एसी, अगर 1 टन का भी एसी है तो हमें 2.5 एमएम के वायर का यूज करना चाहिए। 2.5 एमएम का जो वायर होता है, उससे हम मैक्सिमम 2 किलोवाट लोड दे सकते हैं। घर में जो हमारे हीटर हैं या ग्राइंडर हैं, मिक्सर हैं आदि, इन उपकरणों के लिए हमें 2.5 एमएम वायर का यूज करना। अगर लेंथ ज्यादा लंबी हो तो हमें 2.5 एमएम की जगह 4 एमएम के वायर का यूज करना चाहिए। अब आते हैं 4 एमएम का, जो हमारे घर के हैवी अप्लायंसेज होते हैं, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, इन सब को यूज करने के लिए हमें 4 एमएम के वायर का यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें अपने मेन बोर्ड से अलग अलग कमरों में जो बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर सप्लाई देने के लिए 6 एमएम के वायर का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस हिसाब से जो बताए गए तरीके हैं इन वायरों का यूज करते हैं अपने दिए गए अप्लायंसों में लगाने के लिए, तो आपकी जो वायर की लाइफ है वो लंबी चलेगी और उसे जलने की संभावना बहुत कम होगी और उस पर ओवरलोडिंग की भी संभावना कम होगी। अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे समझा जाए तो हमारे जो घर में मीटर लगा हुआ है, मीटर से हमारे घर का जो मेन बोर्ड है वहां पर तक हमें 6 एमएम का वायर लेना चाहिए, और मेन बोर्ड से जो हमारे अलग अलग रूम में सप्लाई दी गई हुई है, जो बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर 2.5 एमएम का वायर ले जाना चाहिए अलग अलग रूम में। उसके बाद अगर उन बोर्डों से अगर हम किसी लाइट वाले उपकरण में या पंखे वाले उपकरण में सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें 1 एमएम या 0.75 एमएम का वायर यूज करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई पावर बोर्ड है तो उस पावर बोर्ड में हमें 4 या 6 एमएम का वायर ले जाना चाहिए। अगर इस तरह से आप वायरिंग करेंगे तो काफी ये अच्छी वायरिंग कही जाएगी और इसमें सभी उपकरण बहुत सही तरह से काम करेंगे, जलने की संभावना बहुत ही कम होगी। फ्रेंड्स, जो वायर का लोड कैपेसिटी होती है, यानी कितना लोड वो उठा सकता है, यह उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर लेंथ कम है तो हम थोड़े पतले वायर से ही अधिक लोड को हम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। थैंक यू।